Hello, my dear students. Today we are going to start our term 2, and here our topic is Introduction to Microsoft Word. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि Microsoft Word क्या होता है और हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे. ठीक, फर्स्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कोई भी पेपर होता है जिस पे हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक, वो हमारे पास एक प्लेन वाइट पेपर होता है. विद द हेल्प ऑफ पेन हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं या कुछ इमेज ड्रा कर सकते हैं या कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली इन कंप्यूटर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है. अब इसमें क्या है, हम इस पे पेन से नहीं लिखते हैं, हम इस पे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड से लिखते हैं. ठीक, हमें कोई भी टेबल अगर ड्रा करना है, कोई भी इमेज अगर बनानी है या कोई टेक्स्ट लिखना है, तो सिंपली हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं या माउस का यूज़ कर सकते हैं और वो इमेज वो टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे आएगा. ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमें अपने डेस्कटॉप पे जाना है और वहाँ पे हमें देखना है क्या यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो शॉर्टकट है वो अवेलेबल है कि नहीं. चलिए हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का शॉर्टकट अवेलेबल है. जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक, तो उसका शॉर्टकट आप इस डेस्कटॉप पे लगाते हो जिसका सिंबल है W. ये देखिए आप, ठीक, इसको ओपन करना है, W क्लिक करना है इस पर. उसके बाद आपके सामने एक प्लेन पेज आएगा और आपके पास डिफरेंट टूल्स आएंगे, ठीक, या डिफरेंट मेन्यूज आ सकते हैं. अब फर्स्ट हमें इसको देखना है कि हमारे पास जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, फर्स्ट हमारे पास टॉप जो लाइन है यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हो उसका नाम क्या है. ठीक, तो अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका नाम रखना है डॉक्यूमेंट 1. ओके, तो ये क्या है, ये इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है. ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टॉप लाइन होती है इसको हम कहते हैं टाइटल बार. ठीक, सेकंड हमारे पास होते हैं फाइल, मेनू, होम, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग, व्यू, रिव्यू और डेवलपर. ये हमारे पास बनते हैं डिफरेंट मेन्यूज, तो ये लाइन हमारी बनती है मेन्यू बार. ठीक, इसके नीचे हमारे पास एक और लाइन होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, इसको हम कहते हैं टूल बार. ओके, तो इसके नीचे हमारे पास एक वाइट पेज होता है. अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोई इमेज ड्रा करनी है या कोई टेबल बनाना है, तो वो किस पे आएगा, हमारे इस वाइट पेज पे. तो इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया. ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट इसमें कुछ लिखेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें जो हमें टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए. ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 11 है, हम इसका साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं. देखिए आप 12, 14, 16, 18, फॉर एग्जांपल मैंने 22 रखा. ठीक, इसी तरह हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं. ठीक, आपको टाइम्स न्यू रोमन रखना है, आपको एरियल रखना है, या आपको ये वाला रखना है, ठीक, या आपको अहरोनी रखनी है. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आई चूज़ टाइम्स न्यू रोमन. ओके, इसके बाद आपको लिखना है, ये देखिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट हियर टूडे इज़ फ्राइडे. ठीक, ओके, अब मैंने टेक्स्ट लिखा. अब यहाँ से एक और फैसिलिटी हमारे पास है, जो आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद भी आप इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस या इसमें डिफरेंट चेंज ला सकते हो. ठीक, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. ठीक, तो आपको ये जहन में रखना ही रखना है, इन वर्ड अगर आपको किसी टेक्स्ट में कोई चेंज लानी है तो फर्स्ट वो हैव टू सिलेक्ट टेक्स्ट. सो फर्स्ट हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन हमारे पास है विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो सेकंड हमारे पास है विद हेल्प ऑफ माउस. तो कीबोर्ड से हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, विद हेल्प ऑफ माउस हमें इस जो हमारे पास टेक्स्ट है इसके टॉप पे या एंड पे जाना है या इसके होम पे जाना है. ठीक, ठीक है ना. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इस टेक्स्ट के एंड पे गया. इसके बाद आपको कीबोर्ड में हमारे पास जो शिफ्ट होते हैं उसको प्रेस करके ही रखना है और एरो की जो हमारे पास है जिस साइड से आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपको इस साइड सेलेक्ट करना है तो आपको वही एरो की प्रेस करनी है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो आपको वही एरो की सिलेक्ट करनी है. तो सिंपली आप देखें यहाँ से मेरा जो कर्सर है वो यहाँ ब्लिंक हो रहा है और जो टेक्स्ट है वो इस साइड है. इट मीन्स कि मुझे जो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है फ्राम राइट टू लेफ्ट. ठीक, शिफ्ट को प्रेस किया, इसके बाद मैं एरो की प्रेस करूंगा. ये देखिए आप, ठीक, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया. अब इसके बाद इसमें चेंज हम ला सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक, या हमारे पास जो फॉन्ट स्टाइल है डिफरेंट वो हम चूज़ कर सकते हैं. ओके, ठीक,
इसी तरह जो हमारे पास हैं ये तीन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बोल्ड मीनस के जो हमारे पास टेक्स्ट हैं वो थोड़ा बोल्ड मीनस मोटा हो जाएगा ठीक ये देखिए आप ठीक इसी तरह हम अगर इसको इटैलिक करेंगे तो आई ठीक या अंडरलाइन ये देखिए आप ठीक अभी जो हमारे पास टेक्स्ट हैं वो बोल्ड भी है इटैलिक भी है अंडरलाइन भी है ठीक है ना अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास टेक्स्ट हैं वो इटैलिक भी हैं बोल्ड भी हैं अंडरलाइन भी हैं जब हमने ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए अब तब देखिए आप बोल्ड भी हाईलाइट हैं आई भी हाईलाइट हैं और अंडरलाइन भी हाईलाइट हैं ठीक अगर हमें यहाँ से कोई डिसलेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल इटैलिक ये देखिए आप अब जो हमारे पास इटैलिक हैं वो हाईलाइट नहीं ठीक तो वैसे आपको जो जितना भी टेक्स्ट आपके सामने होगा तो आप सिंपल ये स्टेप्स फॉलो कर दीजिए बोल्ड भी हो जाएगा इटैलिक भी अंडरलाइन भी हो जाएगा इसका साइज जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है अब सेकंड स्टेप हमारे पास का है अभी जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो यहाँ तक आ गया ठीक अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है उसके लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी है तो मैं किस तरह नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा उसके लिए हमारे कीबोर्ड में एक की अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं इंटर ठीक सिंपली आपको इंटर प्रेस करना है उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है ठीक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिखूँगा टुमारो इज ओके सैटरडे ठीक ये देखिए टुमारो इज सैटरडे अभी मैंने यहाँ से लिखा टुमारो इज सैटरडे लेकिन मिस्टेकली मैंने यहाँ से लिखा टी ओ एम ए आर आर ओ डब्ल्यू लेकिन इसके नीचे आप देखिए थोड़ा रेड ठीक रेड लाइन आ रही है अब ये है रेड लाइन क्यों आ रही है ये भी आपको इसी वर्ड में सीखना है इट मीन्स कि जो आपने टुमारो लिखा इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं ग्रामर जो हमारे सिस्टम में होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सिंपली आपको अब क्या करना है इस पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक के बाद आपको इसी पर राइट क्लिक करना है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे विजिबल हो जाएंगे यहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है ठीक ये देखिए आप फर्स्ट वन है ना अब हो गया या इसी तरह हम देखेंगे सैटरडे सिंपली आप इस पे जाना है इसके बाद लेफ्ट क्लिक के बाद इसी पर आपको राइट क्लिक करना है ये देखिए सैटरडे ठीक है ना ओके तो यहाँ तक क्लियर कोई इशू अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा ठीक अभी इसमें क्या है टी हमारे पास कैपिटल है ठीक ओ स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल वाई स्मॉल इसी तरह हमारे पास एफ इसमें कैपिटल हैं क्या हम चाह सकते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट हैं वो पूरा कैपिटल आना चाहिए वो पूरा स्मॉल आना चाहिए या फर्स्ट वर्ड ही स्मॉल आना चाहिए बाकी सारे कैपिटल या फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल आना चाहिए बाकी सारे स्मॉल तो ये ऑप्शन भी हमारे इस वर्ड में अवेलेबल हैं ये एक मैन टूल बहुत ही पावरफुल टूल है किसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंपली आपको क्या करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है ठीक इसके बाद आपको इस पे जाना है ठीक है ना जहाँ हमारे पास केस चेंज एक ऑप्शन अवेलेबल होते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए ये देखिए आप इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको क्या आपको पूरा स्मॉल रखना है तो लोअर केस क्या आपको पूरा कैपिटल लगाना है तो अपर केस या आपको जो वर्ड स्टार्ट होता है नए से उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए बाकी सारे स्मॉल कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है टोगल केस मीनस फर्स्ट वर्ड हमारे पास स्मॉल आएगा बाकी सारे कैपिटल तो हियर आई चूज अपर केस ही देखिए आप पूरा कैपिटल आ गया उसको फिर से वापस लाने के लिए सिलेक्ट कर दीजिए आप ठीक इसके बाद आपको चेंज केस पे जाना है और यहाँ से हम करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड अब देखिए आप ठीक है ना यहाँ तक तो ठीक तो आई थिंक आज इस वीडियो में इतना ही तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं वर्ड के हर एक स्टेप को टच करूँगा तो प्लीज़ आप इसको वॉच करके रहना और हमारी जो वेबसाइट है हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय